हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डीएस गुरुजी। आप देख रहे हैं अशोक गहलोत का ये ट्विटर हैंडलर है, चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान। और अभी अभी दो ट्वीट ऐसे आए हैं जो खुशखबरी आपके लिए है। राजस्थान पटवारी भर्ती के बारे में बहुत सारी अफवाहें, बहुत सारी अलग अलग र्यूमर्स फैल रही थी, उसको क्लियर कर दिया है। मुख्यमंत्री साहब ने खुद ट्वीट किया है और उसमें लिखा है कि पहले जो 2000 की भर्ती थी उसको बढ़ा करके अब कर दिया है 3835। देख लेते हैं, दो ट्वीट किए हैं लगातार, रिप्लाई में क्या ट्वीट है। हमारी सरकार पटवारी के 3835 पदों पर भर्ती करेगी। इन रिक्त पदों पर भर्ती के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। गौरतलब है कि पूर्ववर्ती सरकारों ने पटवारी की 2000 पदों पर भर्ती के लिए मंजूरी दी थी, लेकिन इसमें एक भी पद उस समय भर्ती के लिए नहीं कराई गई थी, भर्ती अटक गई थी वो। और इन्होंने लिखा है कि हमने अब 2000 पदों के साथ 1835 पदों पर भर्ती स्वीकृति दे दी है। इससे युवाओं को रोजगार के अवसर मिलने के साथ साथ राजस्व कार्यों को गति मिलेगी। डेफिनेटली राजस्व कार्य बहुत सारे अटके हुए हैं, तो यहाँ पर एक बात तो पक्की हो गई है, ये ट्यूट जो है काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। मुख्यमंत्री की तरफ से पहले कभी ऐसा ट्यूट देखने को नहीं मिला है भर्तियों के रिगार्डिंग। भर्तियों के रिगार्डिंग भले ही ट्यूट आ जाए, भी हम भर्तियाँ निकालेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन ऐसा ट्यूट नहीं आया कि पर्टिकुलर ये भर्ती हम करने वाले या ये भर्ती हम निकालने वाले। तो डेफिनेटली ये जो चीज़ है एक अलग चीज़ करके दिखाई है मुख्यमंत्री महोदय ने। और डेफिनेटली अब आप तैयारी को बिल्कुल स्टार्ट नहीं करी हो तो कर दीजिए, क्योंकि ये कंफर्म हो गया है। अब भर्ती बस ये एंड प्रोसेस में ही है, क्योंकि टाइम तो मैं अभी भी कह रहा हूँ कि 2 महीने भी कम से कम लग सकते हैं नोटिफिकेशन आने में, लेकिन अब ये डेफिनेटली हो गया है कि ये इस पर काम हो रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये बड़े पद जो होते हैं ये कभी इस प्रकार से स्पेसिफिक ट्वीट नहीं करते हैं। और जब खुद ट्वीट करके कहा है कि हमने इतने पद बढ़ाए हैं, 2000 पहले कहते हैं, टोटल 3835 पदों पर भर्ती की जाएगी, तो डेफिनेटली ये होगा। तो मेरी मोहर भी इस पर है और मुख्यमंत्री साहब ने कहा है, तो डेफिनेटली ये भर्ती आने वाली है। और यही शुभकामना आपको सब देना चाहेंगे कि आप तैयारी करें और इसमें सफलता प्राप्त करें। और ये पद भी काफ़ी हैं, 3835 पद आई थिंक बहुत ज़्यादा पद हो जाते हैं, आसानी से आप फाइट कर सकते हैं। बहुत लंबा प्रोसेस चलेगा, ध्यान रख लेना, करीबन 1 साल तक का लगेगा। नोटिफिकेशन आएगा, इसमें अलग अलग चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। कंप्यूटर की जो बातें हो रही है उसमें कोर्स में परिवर्तन होगा और अलग अलग चीज़ें उसमें ऐड होगी, जो पुराना है उससे बहुत सारी चीज़ें परिवर्तित हो सकती है, संभावना ऐसी जताई जा रही। हो सकता है सेम भी रह जाए, लेकिन सेम रहने की संभावना इसलिए नहीं है क्योंकि पहले 12th बेसिस पे हो रही थी, अब ग्रेजुएशन बेसिस पे है, तो डेफिनेटली सब्जेक्ट वाइज चेंजेस तो कुछ ना कुछ आएंगे ही। तो आप जो पुराने तरीके से तैयारी कर रहे थे उसको तो जारी रखिए, लेकिन नए जो चीज़ें आने वाली है उनके लिए भी तैयार रहें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। और कोई जानकारी जैसे मुझे मिलेगी या और कोई नई अपडेट होगी तो मैं आपको जरूर दूंगा। थैंक यू।